अच्छा दोस्तों, आज बात करते हैं कैमरे के बारे में कि iOS का कैमरा अच्छा होता है या फिर एंड्रॉइड का कैमरा अच्छा होता है। एंड्रॉइड में सारे फ़ोन आ जाते हैं, iOS में एप्पल आता है। तो आज कैमरे के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत सारे बंदे पूछते हैं कौन सा कैमरा अच्छा होता है, तो कुछ टिप्स आपको बताऊँगा जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा कैमरा अपनी फोटोग्राफी के लिए अच्छा रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे iOS और एंड्रॉइड के कैमरे में क्या डिफरेंट है और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में आपको बताता हूँ कैमरा हार्डवेयर के बारे में। देखिए, कैमरा हार्डवेयर जान लेना बहुत ज़रूरी है कोई भी फ़ोन खरीदने से पहले। iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म अपने कैमरे में हाई क्वालिटी लेंसेस और सेंसर का यूज़ करते हैं। देखिए, iOS डिवाइस में एप्पल खुद हार्डवेयर डिज़ाइन करता है, इससे सीमलेस इंटीग्रेशन होती है, एक एक्सेप्शनल इमेज क्वालिटी मिल जाती है। आपको बताता हूँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रेशन के बारे में। iOS में कैमरा ऐप का इंटरफेस काफ़ी इंट्यूटिव होता है और स्मूथली ऑपरेट होता है। एप्पल का इकोसिस्टम अलाउ करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ परफेक्टली सिंक हो, जिससे सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस मिलती है। अब तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ मैं, कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल। देखिए, इस पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा आप किसको कस्टमाइज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं, iOS को या फिर एंड्रॉइड को। एंड्रॉइड फ़ोन में तो यूज़र को ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलती है और कैमरा सेटिंग में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। यूज़र अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, इससे फोटोग्राफी अपनी क्रिएटिविटी और फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आपको बताता हूँ ऐप इकोसिस्टम का। दोनों प्लेटफॉर्म में बढ़िया कैमरा ऐप अवेलेबल होते हैं, लेकिन एंड्रॉइड का इकोसिस्टम ओपन होता है, जिससे डेवलपर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इनोवेटिव ऐप डेवलप करने में। जैसे कि मान लीजिए आप कोई HD ऐप डाउनलोड कर रहे हैं अपने फ़ोन में, उनसे आप उसको कैमरे की अपनी सेटिंग को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, उसमें इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। तो दोस्तों, iOS और एंड्रॉइड दोनों ही अपने तरीके से कैमरे में एक्सीलेंस लाते हैं। अगर आप सीमलेस इंटीग्रेशन और यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस चाहते हैं तो iOS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन चाहिए, एंड्रॉइड का वर्ल्ड आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।